बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब इंसान किसी आजमाइश में मुबतला होता है तब उस पर दो राज खोल दिए जाते हैं, एक वो कितना बहादुर है, दूसरा कौन उसका अपना है। कुरान पाक की खूबसूरती ये है कि आप उसको पैगाम को नहीं बदल सकते, मगर हाँ वो आपको बदल सकता है। खुदा भूल चुका है, जिंदगी आजमाइश बन गई, दुआएं कबूल नहीं होती, पूछा नमाज फजर पढ़ते हो, बोला आंख नहीं खुलती। तहज्जुद बहुत लाडली इबादत है, ये अपने रब से अपनी बात मनवा कर ही दम लेती है। इंसान मुकम्मल टूट जाता है तो उसे अल्लाह के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बेहतरीन अदब यह है कि इंसान अपनी हद में रहे और अपने मकदार से तजावज ना करे। बिना किताबों से जो इल्म सीखा जाए उसे जिंदगी कहते हैं। अपनी जुबान को किसी के ऐबों से आलूदा मत करो, क्योंकि ऐब तुम्हारे भी हैं और जुबानें दूसरे लोगों की भी हैं। दिलों को साफ करके जीना सीखो, माफी मांगने में पहल करो, माफ करने में पहल करो, फिर देखना अल्लाह तुम्हारे लिए दुनिया में ही जन्नत की हवाएं चलाएगा। पता नहीं कैसे परखता है मेरा खुदा, इम्तिहान भी मुश्किल लेता है और हारने भी नहीं देता। रूह को छू कर देखो, सूरत में क्या रखा है, अल्लाह से मांग कर देखो, लोगों में क्या रखा है। जिस चीज की तलब हो उसे बांटने लग जाओ, फिर चाहे वो सुकून हो, इज्जत हो, मोहब्बत हो, वो वापस पलट कर आपके पास जरूर आएगी। चार चीजों को चार चीजों से धोया करो, जुबान को जिक्र से, आंखों को आंसू से, गुनाहों को अस्तगफार से और दिल को खौफ खुदा से। माफ कर देने से इंसान की अपनी रूह भी पाक हो जाती है।